रोशन भाभी, रोशन भाभी, अरे थांबो ना ना, अरे सोड़े की कोई गलती नहीं थी। कैसे गलती नहीं है? मेरे मना करने के बाद भी उसने पार्टी शादी की। अगर मैं नहीं आती थी तो वो अपनी पार्टी शादी कंटिन्यू करता कि नहीं? बोलो, करता कि नहीं? नहीं करता। अरे वो तो बिचारा, बिचारा आपका दोस्त बिचारा। अब भी मैं उसको फोन करके ये प्रूव करती हूँ कि आपका बिचारा दोस्त कितने अच्छे से झूठ बोलता है। आप गिनना उसके झूठ। हाँ, कीगल तू अभी तक सुता नहीं? नींद नहीं आ रही? चल मैं तनु लोरी सुनाता हूँ, झट से नींद आ जाएगी। सो जा। अरे भाई तू शांति रखना भाई। पप्पू रोशन का फोन, ये देखो रिंग जा रही है, फोन नहीं उठा रहा है। रोशन भाभी को फिर से क्यों फोन आया? अभी थोड़ी देर पहले तो बात हुई थी। अरे ठंडे रख मेरे यारा, हो सकता है ना रोशन मेरी याद आ रही हो इसलिए फोन कर रही। याद आ रही है कि पता चल गया कि तू यहाँ पर छिपा हुआ है? ओए पप्पू, अगर पता चल गया होता ना तो वो ऐसे फोन नहीं करती और किस्टिक लेके यहाँ सीधा तेरे घर पे आ जाती। फिर भी भाई तू फोन मत उठा, तू फोन उठाता और कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। अरे पप्पू दो नींबू अंदर गए हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर फोन नहीं उठाऊंगा ना उसे शक हो जाएगा। ठीक है उठा, लेकिन स्पीकर पे रखना। तू हस्बैंड वाइफ की बातें सुनेगा? रख। हेलो रोशन डार्लिंग। मेरी इरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी, की गल रानी जा रहा मेरा बिन? ऑफ कोर्स रोशन डार्लिंग, आई एम मिसिंग यू सो मच। अच्छा रोशन, तूने फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगाया? वो क्या है ना रोशन डार्लिंग, वो हाईवे पे मैं गड्डी चला रहा थी। अब गड्डी चलाते हुए मैं फोन कैसे उठा सकता हूँ? तो अभी कैसे उठाया? साइड में गड्डी पार्क करके तेरा फोन उठाया है। रोशन मुझे आजू बाजू कोई गाड़ियों की आवाज नहीं आ रही, तू नक्की गाड़ी चला रहा है ना? ढाबे पे हूँ, ढाबे पे। साइड में मतलब मैंने ढाबे पे गड्डी पार्क करके तुझा फोन उठाया है। तो चाय पी के तुरंत निकल जाऊंगा, ढाबे पे हूँ ना इसीलिए तेनू गड्डियों की आवाज नहीं आ रही है। एट्रिक जाली एट्रिक। ओके ओके मरु रोशन, तू अपना ध्यान रखना। ओके ओए मेरी रोशन डार्लिंग, और तू भी अपना ख्याल रखी, बहुत मिस कर रहा हूँ तुझे। टेंशन मत ले रोशन, थोड़ी देर में मिलती हूँ ना तुझसे। की मेरा मतलब है कि अब थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, राइट? तो मैं मिलूंगी सुबह को तुझसे, है ना? हाँ, मिलना ही है ना, सुबह होते ही मैं तेरे पास आऊंगा। हाँ ठीक है, गाड़ी शांति से चलाना। ओके हाँ सुनिए, तू फिकर ना कर, और गड्डी में शांति से ही चलाऊंगा। चंगा मैं फोन रखता हूँ। आई लव यू टू। आई लव यू सो मच रोशन। देखा आपके दोस्त ने कितने झूठ बोले, कोई बेचारा नहीं है वो, बेचारो। अभी भगवान ही बचा है सोड़ी को। अहो हेलो हेलो हेलो, अरे बच गया भाई, रोशन भाभी को सच पता चल जाता ना तो हड़कंप मच जाता तेरी जिंदगी में, इसीलिए मैं बोल रहा था कि फोन मत उठा। ओए भस्कर पप्पू, ये डरना और डराना, ओए अब तक सब ठीक हुआ है और आगे भी चंगा ही होना है, बस एक गड़बड़ हो गई। क्या घर पे कोई सबूत छूट गया? ओए ना ओए ना, वो गड़बड़ ये हुई है कि एनिवर्सरी वाले दिन मुझे मेरी पोली पार्सन को ना झूठ बोलना पड़ा। लेकिन कोई गल नहीं जी,
वो कल मैं उसके लिए बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट लेकर आऊंगा। आज रोशन को गिफ्ट में हॉकी स्टिक की पिटाई मिलेगी। रोशन टूटो घर। बच गया पप्पू, बच गया। वो मेरे सर पे मंडराते हुए संकट के काले बादल अब हट गए। रोशन सोच रहा होगा कि उसके सर पे मंडराते हुए संकट के बादल हट गए, लेकिन आज ये बिजली ऐसी कड़केगी कि उसकी हालत फटे हुए टायर जैसी हो जाएगी। बरोबर बोलता है त्या। चला